चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान स्टेट की अभी ऑफलाइन काउंसलिंग चल रही है और आज उसका सेकंड डे था। सेकंड डे के दिन गवर्नमेंट की सभी सीटें अलॉट हो चुकी हैं, मैनेजमेंट की सीटें अभी अलॉट होना जारी है। तो मैं आपको इस वीडियो में गवर्नमेंट की लास्ट कट ऑफ बताऊंगा कि कितने मार्क्स पर कौन सा कॉलेज मिला है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं कल के वीडियो में भी बता चुका हूं कि जो फर्स्ट डे के दिन कट ऑफ गई थी वो भी ज़्यादा हाई थी, और आज सेकेंड डे के दिन जो लास्ट कॉलेज अलॉट हुई है उसकी कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा हाई रही है। ये राजस्थान स्टेट में ही ऐसा हो रहा है, और एक राजस्थान स्टेट ही ऐसा स्टेट बन चुका है जिसकी कट ऑफ ऑल इंडिया में सभी स्टेट की कट ऑफ से ज्यादा जा रही है, यानी कि सेकंड राउंड की काफी ज्यादा हाई कट ऑफ हमें देखने को मिली है। राजस्थान का सेकंड राउंड ऑफलाइन होता है, मोपअप में यहां सीटें आती नहीं है। तो ये एक बार हम देख लेते हैं इसका कि कितना कट ऑफ रहा है लास्ट कॉलेज। तो लास्ट कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धौलपुर मिला है, और उसकी फ्री सीट की कट ऑफ जब हम देखते हैं तो यूआरबी कैटेगरी की 12,912 रैंक पर जिसके 620 मार्क्स थे उसको ये कॉलेज मिला है। यूआरजी की बात करें तो इसमें स्टेट रैंक 1,980 रहा है, और ऑल इंडिया रैंक 12,920 रहा है, और मार्क्स हैं 620। इसके बाद में ओबीसी बॉयज की अगर हम बात करें तो स्टेट रैंक 2,056 रैंक पे जिसके ऑल इंडिया रैंक 13,423 थे, मार्क्स जिसके 618 थे, उसको धौलपुर का कॉलेज मिला है। ओबीसी गर्ल्स की बात करें तो स्टेट रैंक 2013 रैंक पर जिसके ऑल इंडिया रैंक 13,119 थे, 619 मार्क्स थे, उसको धौलपुर का कॉलेज मिला है। ईडब्ल्यू बॉयज की अगर बात करें तो जिसके स्टेट रैंक 2,051 था, ऑल इंडिया रैंक 13,382 था, 618 मार्क्स पर मिला है। ईडब्ल्यू जी की बात करें तो 2,083 रैंक पर जिसके ऑल इंडिया रैंक 13,614 रैंक थे, 617 मार्क्स पर ये कॉलेज मिला है। तो इन तीन कैटेगरियों का अभी अलॉटमेंट हुआ है, यूआरबी, यूआरजी, ओबीबी, ओबीजी, ईडब्ल्यूबी और ईडब्ल्यूजी। एमबीसी कैटेगरी का भी तकरीबन अलॉटमेंट हो चुका है, एक सीट बची है। इसके बाद में अगर हम यहाँ मैनेजमेंट की बात करें, ये सारी गवर्नमेंट की है, अभी एससी और एसटी की काउंसलिंग होना बाकी है, एमबीसी की भी काउंसलिंग बाकी है अभी, तो ये तीन कैटेगरी की कट ऑफ है। अब हम आरयूएचएस मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट की ये इच्छा रहती है कि आरयूएचएस मैनेजमेंट की कट ऑफ कितनी गई है, ये जानने की उत्सुकता रहती है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ आरयूएचएस मैनेजमेंट की कट ऑफ इन तीन कैटेगरी के लिए। तो यूआरबी 613 मार्क्स पर रहा है, ओबीबी 595 मार्क्स पर रहा है, ईडब्ल्यूबी 606 मार्क्स पर रहा है, ईडब्ल्यूजी 605 मार्क्स पर कट ऑफ रही है आरयूएचएस मैनेजमेंट की। अब इसमें एक एसएमएस की सीट भी अलॉट हो गई है एससी कैटेगरी को, क्योंकि ये अप रैंक में था कैंडिडेट जिसकी रैंक 15,316 थी, 613 मार्क्स थे, उस कैंडिडेट को एससी कैटेगरी में एसएमएस मिल गया है। एसएमएस में अभी एससी कैटेगरी की कोई सीट अवेलेबल नहीं है। तो ये कट ऑफ थी आज सेकेंड डे के दिन जो मैंने आपको बता दी है। अगर आप इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया की काउंसलिंग के हर अपडेट हमारे चैनल से मिलते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।